हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल रे आपन को स्वागत। आज विषय रही है सुना जिनस हजिबा कि पाइबार अर्थ कौन होता है। तेज विषय टी जा पूर्व मुझे कही रखे जो मैंने पर्यटन आम यूट्यूब चैनल ओडिया ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना और साइड में बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताकि सर्वप्रथमें पाइपर देखते। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सुना जिनस पाइबा और हजिबा दुईट जाक अशुभ होता है। सुनार संबंध ज्योतिष गुरु ग्रह सहित थाए बोली विचार कराए। एथिपाई सुना जिनस हजिबा किंबा मिलवा द्वारा गुरु ग्रहर अशुभ प्रभाव सम्मुखीन होगा पड़ता है। यह व्यतीत शकुन शास्त्र रे भी सुना सहित जड़ित थिबा किछि शुभ और अशुभ संकेत विषय वर्णना कर। आज मुझे कहबि कि केउ गहना हजिबा किंबा मिलवा द्वारा जीवन में यार कौन प्रभाव आपण मानी रही है। देखते प्रथम रही जदि कौन व्यक्ति कानर गहना अर्थ इयरिंग हजिजाए तो यार अर्थ कौन अशुभ खबर शुणा को मिल पाए। द्वितीय रही नाक लगुवा गहना नाक लगुवा गहना जदि हजिजाए तेज व्यक्ति को किसी बदनामी सम्मुखीन होगा पड़ पाए। तृतीय रही मुंडर गहना जपरी टीका और अन्य गहना आदि जदि मुंड लगुवा गहना मान कौन गहना हजिजाए तेज आपण निकट भविष्य में कौन बड़ समस्या पड़ पारती। चतुर्थ रही गलार हार जदि बेक पिंधुवा हार के हजिजाए तो यह आपण को निकट भविष्य में धनहानि सूचना दे था। पंचम रही जदि केवे चूड़ीट हजिजाए तो यह आपण को कौन मानसिक समस्या पकाई पारे और आपण को सम्मान में आघात लगे। छर रही मुदी हजिजा जदि कौन व्यक्ति हाथ में पिंधुवा मुदीटी कौन समय हजिजाए तो यह निकट भविष्य में आपण कौन स्वास्थ्य जनित समस्या पड़वर सूचना दे था। सप्तम रही डाहाण पादर पाउजी डाहाण पादर पाउजी हजिजा फल आपणकर समाज प्रतिष्ठा कम हो जाए। अष्टम रही बाम पादर पाउजी जदि कौन समय बाम पादर पाउजी हजिजाए तो यह निकट भविष्य में कौन शारीरिक क्षतिर सूचना दे था। एवं नर रही जदि पादर पिंधुवा मुदीट हजिजाए जदि कौन समय पादर पिंधुवा मुदीट हजिजाए तो यह आपण स्वामी निकट भविष्य में कौन स्वास्थ्य खराब होवार आगुआ सूचना दे था। तेज आपण मैंने जो सब विषय शुणिले ताहा सुना हजिबा और पाइबा उभय क्षेत्र में लागू होता है कारण दुईट जाक ही अशुभ विचार कराए। तेज वीडियो जी आपको भल लगी था लाइकटे करूँ कमेंट करूँ वीडियो को अपना फ्रेंड्स सहित शेयर करूँ और जो मैंने यूट्यूब चैनल ओडिया ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद।